फ्रेंड्स, मैं राशिद अलवी, आपका दोस्त। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राशिद डिजाइन्स में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे निहायत खूबसूरत कॉलर नेक डिजाइन। दोस्तों, जितना ये डिजाइन देखने में सुंदर है, उतना ही आसान है इसको बनाना, बशर्ते आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, वीडियो स्किप ना करें, तो हम आपको सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझा पाएंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो कर दे लाइक और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा कॉलर नेक डिजाइन बनाने के लिए हमारी बुकरम है, जिसकी चौड़ाई होगी हमारी 11 इंच यानी कि 11 इंचेस और लंबाई होगी 16 इंच यानी कि 16 इंचेस। और इसको हम इस प्रकार डबल लेयर में फोल्ड कर लेंगे। और डबल लेयर में फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने नेक की, जो भी आपने अपने नेक की लेंथ रखनी है, उसका निशान लगाना है और इसको सीधा स्केल कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर जितनी भी आपने अपने ब्रॉडिंग लेनी है, नेक की ब्रॉडिंग लेने हैं, वो आप अपने अनुसार ले सकते हैं और इसको सीधा स्केल निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर 1.25 इंच की गैपिंग लेनी है इस प्रकार, और इसको सीधा स्केल कर देना है। इस प्रकार सीधा स्केल करने के बाद अब हमने यहाँ पर 1.25 इंच की गैपिंग लेनी है, यानी कि टोटल 1.25 इंच। यहाँ पर हमने 1.25 इंच का हाफ निशान लगा, और उसके बाद यहाँ पर भी, और अब हमने यहाँ पर सीधा स्केल कर देना है। इस प्रकार सीधा स्केल करने के बाद हमने यहाँ पर एक सीधा स्केल यहाँ पर कर देना है। इसके बाद हमने अपने नेक की शेप लेनी है। जो भी हम अपने नेक की शेप लेंगे, ये देखिए इस प्रकार, और अब हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने इस तरीके से शेप ले लेनी है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। नेक कटिंग करने के बाद आपने नेक के बराबर कपड़ा लेना है और इस प्रकार नेक पर रखेंगे और यहां पर आधे पैर की सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई लगाने के बाद आपने जो एक्स्ट्रा कपड़ा, ये देखिए बाहर जो कपड़ा निकला हुआ है, यहां पर इस प्रकार इसको फोल्ड करेंगे और एक पैर की सिलाई से पूरे कपड़े को फोल्ड कर देंगे। और यहां पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, जो भी आपने अपने नेक की ब्रॉडिंग ली है, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच जो भी लिए, उससे अलग 2.5 इंच प्लस कर देना है। यहां पर हमने अपने नेक की ब्रॉडिंग ली है 6 इंच यानी कि 6 इंच, और इसमें हमने 2.5 इंच प्लस किया तो 8.5 इंच यानी कि 8.5 इंच हमारे नेक की ब्रॉडिंग है। और इसके साथ दोस्तों आपने लेनी है पट्टी, जिसकी चौड़ाई होगी 4 इंच और लंबाई होनी चाहिए मिनिमम इसकी 3.5 मीटर यानी कि 3.5 मीटर्स इसकी लंबाई हो। और इसको हमने इस प्रकार डबल लेयर में, ये देखिए कोने से कोना मिला देना और 20 सेंटर करके प्रेस जमा लेनी है पूरी पट्टी पर। तो अब मशीन पर चलते हैं। इस प्रकार नेक पेस्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पर दोनों आउटसाइड मिलानी है, देखिए। और सबसे पहले यहाँ पर एक कट लगा लेना है 20 सेंटर, और उसके बाद चाक लेंगे और इस प्रकार निशान लगा लेंगे। ये हमारा 20 सेंटर का निशान होगा, ताकि बहुत लंबा गला है तो इसमें 20 का निशान बहुत ज़रूरी है। आप अंदाजे से ना करें, हो सकता है आपका गला बहक जाए, और जो मुलायम कपड़े होते हैं उनमें तो बहक ही जाता है।
अब हमने यहाँ पर 20 सेंटर से 20 सेंटर मिलाना है ऊपर से नीचे तक, और बीच में कच्ची सिलाई लगा देनी है। अब हमने यहाँ पर एक पैर के दबाव से कटिंग कर देनी है और एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है। और जो भी हमारी गोलाई है यहाँ पर हमने कट लगा देना है ताकि हमारे नेक प्लेट के समय हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब हमने अपने नेक को फोल्ड कर देना है अंदर की साइड में और एक पैर की कच्ची सिलाई लगा देनी है जो हम नेक तैयार होने के बाद निकाल देंगे, यानी कि तुरपाई होने के बाद निकाल देंगे। नेक तैयार करने के बाद अब हम लेंगे अपनी पट्टी और पट्टी पे हम आधा आधा इंच की प्लेटें डालेंगे इस प्रकार। ये देखिए इस तरह से हमने अपनी पूरी पट्टी पर प्लेटें डाल लेनी है। इस प्रकार दोस्तों आपने अपनी पूरी पट्टी में प्लेटें डाल लेनी है। इस प्रकार प्लेटें डालने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर अपनी प्लेटों को इस प्रकार सेट कर लेना है और इन पे प्रेस कर लेनी, यानी कि यहीं के यहीं आपने प्रेस से इनको दबा देना है। तो प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर यानी कि 1.25 इंच की दूरी पर एक पक्की सिलाई लगा देनी है, मजबूत सिलाई। ये देखिए दोस्तों आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई लगाते समय आपने इन बातों का ख्याल रखना है आपकी जो प्लेटें हैं बिल्कुल एक सार रहें। सिलाई लगाने के बाद अब हमने यहाँ पर इंची टेप से नापकर 1.25 इंच की दूरी पर निशान लगा लेना है। अब हम अपनी कुर्ती के जो कंधे हैं यानी कि शोल्डर है, शोल्डर ज्वाइंट करेंगे, और ज्वाइंट करने के लिए हमने इस प्रकार अपनी कुर्ती की जो बैक है उसको रखेंगे, और उसके ऊपर हम अपने फ्रंट को यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए रखेंगे यहाँ पर, और मजबूत सिलाई लगाकर डेढ़ पैर के दबाव से स्टिच कर देंगे। और अब हमने जो हमारा दूसरा कंधा यानी कि शोल्डर है इसको भी हमने सेम इसी तरीके से जॉइंट कर देना है। और इसके बाद दोस्तों हमने सबसे मेन काम करना है, हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने आधा इंच के करीब गोलाई दे देनी है, यानी कि जो हमारे बैक का हिस्सा है इसमें गोलाई दे देनी है। गोलाई आपने ज़रूर देनी है, गोलाई आप इसलिए देंगे कि पहनते समय आपको जो गर्दन के हिस्से से खिंचाव ना पड़े, तो इसलिए आपने आधा से 1.25 इंच के करीब यहाँ पर गोलाई दे देनी है। इसके बाद दोस्तों हमने अपनी पट्टी को अपने नेक में ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए इस प्रकार अपने नेक को रखेंगे और इसके नीचे अपनी पट्टी को घुसा देंगे। ये देखिए इस प्रकार हमने यहाँ अपनी पट्टी को घुसा देना है। ओके, और निशान पर नेक को यानी कि जो हमारे नेक का किनारा है इसको रखते हुए यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे।
और गोलाई पर आने के बाद अपनी पट्टी को धीरे धीरे घुमाते रहेंगे और सिलाई लगाते रहेंगे। और इस प्रकार अब हम आ जाते हैं अपने बैक पर, यानी कि जो हमने शोल्डर जॉइंट किए थे वहां पर हमने कपड़े को, ये देखिए हमारा कपड़ा है, इसको हमने एक पैर करीब तकरीबन एक पैर इस तरह से फोल्ड कर देना। ये देखिए ये हमारा बैक का हिस्सा है गले का, और अब हमने इसको यहाँ पर एक पैर करीब फोल्ड कर देना है और बिना इसको खींचे सिलाई लगा देनी है। जिस तरह से हमने गले पर सिलाई लगाई है सेम इसी तरीके से हमने इस पर भी सिलाई लगा देनी है। और अब हम फिर से अपने नेक की तरफ आ जाते हैं और नेक पर फिर से हमने इसी प्रकार सिलाई लगा देंगे। पूरे नेक पर हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे और अपनी पट्टी को बहुत ही प्यार के साथ हमने ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपने बहुत ही हल्के हल्के हाथों का यूज करना है और पट्टी की जो लचक है वो खत्म नहीं होने देनी। अगर आपकी पट्टी की लचक खत्म हो जाती है तो आपकी जो गले की शेप है शेप खत्म हो जाएगी, जो फिनिशिंग आप चाहते हैं वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपने अपनी सिलाई मजबूत कर देनी है और अब इसको हम नेक को घुमाएंगे, और घुमाने के बाद जो हमने पहले जो हमने पट्टी लगाई थी, ये देखिए मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, हमने जो पहले पट्टी लगाई थी उस पट्टी को अपने नेक के नीचे सरका देंगे, यानी कि अपनी पट्टी के नीचे सरका देंगे इस तरह से। और कोई भी चीज़ लेंगे, ये देखिए ये हमने नुकीली चीज़ ली, यहाँ पर डालेंगे और इसको एक सार करने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये बिल्कुल ये देखिए एक सार कर देना है। यहाँ पर हमारा जो नेक है इस प्रकार सेट आना चाहिए और इसमें ज़रा सी भी लचक ना हो, ठीक है। और अब हम इसको सेट करेंगे, यहाँ पर हम ये चीज़ डालेंगे और इससे आप अपनी पट्टी को अंदर की साइड धकेल सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत बाहर खींच सकते हैं। ये देखिए ये अब हमारा सेट है, अब हम इसमें मजबूत सिलाई लगाएंगे। दोस्तों हमारा नेक तैयार होने के बाद अब हमने यहाँ पर अपनी प्लेटों को बिल्कुल यहाँ पर सिरे पर मिला देना है इस प्रकार। और जो हमारी ये सिलाई लगी हुई है, ये जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी, इस सिलाई के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो नेक है खुले ना। इसके बाद हमने अपने नेक पर करनी है अच्छे तरीके से प्रेस, और प्रेस करने के बाद हम यूज़ करेंगे इसमें कुछ मोतियों को, और मोतियों को लगाएंगे डबल धागे की सुई से, और इस प्रकार एक एक मोती पूरे नेक में हमने लगा देना है। दोस्तों डिज़ाइन बनने के बाद हमारे डिज़ाइन का लुक कुछ इस प्रकार है, बेहद खूबसूरत लुक आया है। और आप भी इसी प्रकार डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो हमें फॉलो करें और स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें हम आपको बारीकी से सिखाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो लाइक शेयर और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।